अलैकुम जी, पार्क वे सिटी में इंटर हो रहे हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा था तो सोचा कि पार्क व्यू जरा विजिट कर लिया जाए। बारिश के मौसम में या इस मौसम में जो है वो पार्क व्यू किस तरह की जो है वो दिखाई देती है। देख सकते हैं सामने मार्गला हिल्स हैं और इसी के दरमियान में बिल्कुल जो है वो पार्क व्यू सिटी जो है लाई कर रही है। और अभी बस 500 मीटर्स के बाद पार्क व्यू की प्रॉपर जो एंट्रेंस है जहाँ पे बैरियर आपको मिलते हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। पार्क व्यू सिटी में आज जो है वो आए हैं विज़िट के लिए। मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा चलें ज़रा पार्क व्यू को जो है वो विज़िट कर लिया जाए और आपको दिखाते हैं अभी पार्क व्यू की खूबसूरती। पार्क व्यू में रिसेंट वीडियोस में मैं आपको बताता आया हूँ कि पार्क व्यू जो है वो बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। लोग इसको जो है वो ये कहते हैं कि ये काफ़ी महंगी आई थी, लेकिन महंगी बेसिकली इनका जो कटिंग है या इनका जो जितना इनका खर्चा हुआ है लैंड लेवल करने पे या लैंड को प्रॉपर एक शेप देने में, मेरे ख्याल में इतनी प्राइस जो है वो उसकी बनती है। रियल इस्लामाबाद जी CDA जोन 4 के अंदर ये सोसाइटी लाई करती है। पूरी रोड वाली साइड से हम लोग इंटरेस्ट हमने की है और मलूट रोड इसकी दूसरी इंटरेस्ट जो है वो उस साइड पर बनती है। उस इंटरेस्ट से भी आपको जो इंशाल्लाह जो है वो दिखाते हैं, रिसेंट वीडियोज़ में जो है वो दिखाते भी आए हैं। देखिए जी पार्क व्यू का ये आपको जो है वो सामने नज़र आ रहा होगा, ये इसका डाउनटाउन कमर्शियल है जो कि एशिया का एक रैंकिंग कमर्शियल बन रहा है। बहुत बड़ा कमर्शियल है, आपको अगर कैमरा के अंदर नज़र आ रहा हो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल इसका बन रहा है। ये आप देखें ये प्रॉपर एक सर्कल की जो है वो शेप अख्तियार कर रहा है और इसके आस पास सारे कमर्शियल होने और ये काफ़ी बड़ा आपको कैमरा के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा कमर्शियल बनने जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये सोसाइटी है। इसके लेके चलते हैं आपको इसके ए ब्लॉक बी ब्लॉक जहाँ पे प्रॉपर लिविंग है और वहाँ का मॉल दिखाते हैं। ओके, दिस इज़ अ फूड कोर्ट ऑफ पार्क व्यू सिटी एंड दिस इज़ अ सेल्स ऑफिस और नाउ वी आर गोइंग टू द बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंदर अभी जाएंगे और वहाँ से जो है 10 मरला जो है वो आपको दिखाते हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं प्लॉट्स की। ठीक है जी, तो चलें। दिस इज़ अ सेल्स ऑफिस, यहाँ पे सारी जो है वो ट्रांसफ़र्स वगैरह होती हैं प्लॉट्स की, सारी ट्रांसफ़र्स वगैरह सब कुछ यहीं से जो है वो होता है। ये इसका डबल रोड है जो कि मेन रोड आ रहा है फर्स्ट एंट्रेंस से, बोटैनिकल गार्डन्स और बनीगाला वाली अगर साइड से आप आएँ तो ये वाली जो है वो एंट्रेंस आती है। ठीक हो गया। और ये आपका साथ फूड कोर्ट है जहाँ से अभी हम लोग जो है वो निकले हैं। दिस इज़ अ व्यू ऑफ बी एंड ए ब्लॉक। अभी मैं आपको इसकी सेकेंड एंट्रेंस दिखाता हूँ जो कि मलूट रोड वाली साइड से एंट्रेंस है। मलूट रोड अगर आप बाराको वाली साइड से आ रहे हो तो वहाँ से जो है वो मलूट रोड वाली एंट्रेंस है। ये मलूट रोड वाली एंट्रेंस है एग्जैक्टली ये वाली, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मलूट रोड की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने वो ए ब्लॉक है और ये आपका बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक का स्ट्रीट नंबर 2 और स्ट्रीट नंबर 3 हमारे जो है उसके पास प्लॉट्स हैं स्ट्रीट नंबर 2 और 3 के। तो अभी ये हम बी ब्लॉक के अंदर जैसे इंटर होते जाते हैं ये हमारे जो है वो स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, ये स्ट्रीट नंबर 1 के प्लॉट्स हैं। ये एग्जैक्टली जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है ये जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है इसके साथ जो है ये प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये वाले ये एग्जैक्टली प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और दूसरे जो प्लॉट्स हैं ये आपको सामने जहाँ पे आपको ट्रैक्टर जो है वो दिखाई दे रहा है उसके बिल्कुल साथ जो है वो सामने वाले जो प्लॉट्स हैं ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 10/35/70। ठीक है, जैसे ही हम निकलते जाते हैं एक और कमर्शियल आपका यहाँ पे भी बन रहा है। We'll be right back.
अच्छा ये वो एंट्रेंस है जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा था, ये सामने ये देख लें, यहाँ पे हट्स वगैरह बने हुए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह भी ये आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे 100 सीरीज के प्लॉट है उसके सामने पार्क भी है। अभी मैं दोबारा जो है वो वापस जा रहा हूँ फूड कोर्ट्स वाली साइड पे, और अभी आपको सामने ये इसका मेन रोड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रीट से ये इसका मेन रोड पे आते हुए तकरीबन 30 to 30 seconds मिनिमम जो है वो लगते होंगे। ठीक है, ये हमारा दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ बी ब्लॉक का जो है वो व्यू है, ये देखें, ये अभी आप खुद टाइम नोट कर लें बी ब्लॉक से हमें फूड कोर्ट तक जाते हुए जो है वो कितना टाइम लगता है। सोसाइटी इंतहाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फूड कोर्ट्स की आप क्वालिटी देखें कि फूड कोर्ट्स के अंदर कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है वो डूम बने हुए हैं, ये अब फूड कोर्ट है। अब आप खुद टाइम जो है वो नोटिस कर लें, हार्डली एक मिनट लगता होगा आपकी लिविंग से आपके फूड कोर्ट डोम्स तक।